Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and doing your work very well. Today we start exercise 2.3, question 7. We 6 have completed in previous video. A set of school uniform is available for ₹890. Find the cost of 498 such set. कि एक स्कूल यूनिफॉर्म, एक स्कूल की ड्रेस जो है ₹890 में आती है, तो 498 वैसी यूनिफॉर्म कितने रुपीस में आएंगी? तो सॉल्यूशन करेंगे. फर्स्ट सेट कॉस्ट इज ₹890 एंड 490 सेट कॉस्ट इज ₹890 मल्टीप्लाई विथ 498. जब हमें किसी एक चीज़ का आपको रेट बताया जाए और ज़्यादा का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. 890 मल्टीप्लाई विथ 498. वंस के डिजिट से स्टार्ट करेंगे. 80089 जा 72, कैरी ओवर 7, 88 जा 64, 64 एंड 7 71. वंस के प्लेस पे हम क्रॉस लगा देंगे. टेंस के डिजिट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 90099 जा 81, कैरी ओवर 8, 98 जा 72, 72 एंड 8 80. नाउ वी स्टार्ट 100 डिजिट 4. सेवन्स और टेंस के प्लेस पे क्रॉस कर देंगे. 40049 जा 36, कैरी ओवर 3, 48 जा 32, 32 एंड 3 35. अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे. 0 2 2, 7 और 6 13, कैरी ओवर 1, 8 5 13, 13 और 1 14, कैरी ओवर 1 4. तो हमारा अमाउंट आ गया 490 सेट का यहाँ पर 4,43,220. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड द सक्सेसर ऑफ 524. अब इसने आपको नंबर नहीं बताया कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है. इसने आपको हिंट दिया है कि प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 1000, और प्रीडिसेसर ऑफ 1000 का क्या होगा 999. प्रीडिसेसर के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें दिया है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारा नंबर, प्रीडिसेसर नंबर आ गया 999. सक्सेसर ऑफ 524 क्या आ जाएगा, इज 525. सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ है उसको आप प्लस 1 कर देंगे, 525. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 999 मल्टीप्लाई विथ 525. 5 से स्टार्ट करेंगे. 59 जा 45, कैरी ओवर 4, 59 जा 45, 45 एंड 4 49, कैरी ओवर 4, 59 जा 45, 45 एंड 4 49. नाउ वी मल्टीप्लाई विथ टेंस डिजिट 2. वंस के प्लेस पे क्रॉस कर देंगे. 29 जा 18, कैरी ओवर 1, 29 जा 18, 18 और 1 19, कैरी ओवर 1, 29 जा 18, 18 एंड 1 19. अब 100 के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाई वी पुट द क्रॉस ऑन वंस एंड टेंस प्लेस. 59 जा 45, कैरी ओवर 4, 59 जा 45, 45 एंड 4 49, कैरी ओवर 4, 59 जा 45, 45 एंड 4 49. नाउ वी एड इट. अब हम तीनों को ऐड कर देंगे. 5 9 एंड 8 17, कैरी ओवर 1, 10 और 9 19, 19 एंड 5 24, कैरी ओवर 2. 4 एंड 2 6, 6 एंड 9 15, 15 एंड 9 24, 4 आ जाएगा, कैरी ओवर 2. 2 एंड 1 3, 3 एंड 9 12, 12 का 2, कैरी ओवर 1. 4 एंड 1 5. द प्रोडक्ट ऑफ 999 मल्टीप्लाई विथ 525 इज क्या जाएगा हमारा, 5,24,475. नाउ क्वेश्चन 9. देयर आर 3,128 स्कूल्स इन ए स्टेट, स्टेट राज्य, कि एक राज्य में 3,128 स्कूल है. इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 1,225, कि अगर एवरेज, एवरेज होता है औसत, कि एक एवरेज निकाल लेते हैं कि एक स्कूल में कितने बच्चे हो सकते हैं 1,225. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल इन द स्टेट. तो अब आपको उन छात्रों की संख्या प्राप्त करनी है कि एक राज्य में कितने हैं. सॉल्यूशन, इन वन स्कूल एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1,225, और अब ये 3,128 स्कूल्स में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 1,225 मल्टीप्लाई विथ 3,128. मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हम 1,225 को 3,128 से. वी स्टार्ट विथ वंस डिजिट. 85 जा 40, 40 का 0, कैरी ओवर 4, 82 जा 16, 16 एंड 4 20, 20 का 0, कैरी ओवर
2, 8 to just 16, 16 and 2, 18, carry over 1, 8 and 1, 9. Now we do the multiply with 2, tens digit, so that we put the cross on ones place. 2, 5 is 10, 0, carry over 1, 2, 2 is 4, 4 over 1, 5, 2, 2 is 4, 2, 1 is 2. Now we multiply with 1, 5, ones tens के प्लेस पे हम क्रॉस कर देंगे. 5 1 जा 5, 2 1, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1. अब 100,000 के डिजिट से करेंगे, इसलिए ones tens और 100 के प्लेस पे क्रॉस कर देंगे. 3 5 जा 15, 15 का 5, कैरी ओवर 1. 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. अब इन चारों को ऐड कर देंगे. 0, 0, 8, 5 जा 13, 13 and 5, 18, carry over 1, 9 or 1, 10, 10 or 4, 14, 14 or 2, 16, 16 and 5, 21, 21 का 1, carry over 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 and 7, 13, carry over 1, 1, 1, 2, 2 and 6, 8, 3 का 3. तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पर, 38,31,800. देयर आर 38,31,800 स्टूडेंट्स इन स्कूल्स इन द स्टेट. फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन एन आवर. क्वेश्चन 10 हमारा क्या है कि आपको एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा एक घंटे में कितने मिनट होते हैं. आवर, आवर के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड. सबसे छोटी जगह सेकंड्स, फिर मिनट्स, फिर आवर. एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60. और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स. तो एक घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मल्टीप्लाई विथ 60. देयरफॉर इन वन आवर देयर आर 60 मल्टीप्लाई विथ 60. दो जीरो की दो जीरो, सिक्स सिक्स या 36. कितने सेकंड्स आ गए हमारे वन आवर में, 3600. एक घंटे में कितने मिनट सेकंड्स होते हैं, 3600. क्वेश्चन 11, फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन ए डे. अब हमें पहले एक घंटे में सेकंड्स बताने थे, अब हमें एक दिन में सेकंड्स बताने हैं. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हाउ मेनी आवर्स इन ए डे. देयर आर 24 आवर्स इन ए डे. इन वन आवर देयर आर 3600 सेकंड्स. ये हमने फाइंड आउट किया था, 60 मल्टीप्लाई विद 60, मिनट को 60 से सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3600 सेकंड्स. अब एक घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं, तो 24 घंटों में कितने होंगे, 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड मल्टीप्लाई विद 24. मल्टीप्लाई करेंगे 400 4 6 24, कैरी ओवर 2, 4 3 जा 12, 12 ओवर 2, 14. वंस के डिजिट पे क्रॉस लगाएंगे, 200 200, 2 6 जा 12, कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 और 1, 2 3 जा 6 और 1, 7. ऐड करेंगे 0 0, 4 0 4, 4 और 2 6, 1 और 7 8. तो देयर आर 86,400 सेकंड्स इन ए डे. क्वेश्चन 12, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी अडल्ट्स हार्ट बीट 72 टाइम्स इन ए मिनट. कि एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल जो है एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है. हाउ मैनी टाइम्स डज इट बीट इन ए डे. तो वो पूरे एक दिन में कितनी बार धड़कता है. देयर आर 24 आवर्स इन ए डे. आपको पता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24. इन वन आवर देयर आर 60 मिनट. कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स. पहले हम, क्योंकि ये हमें क्या बता रखा है, मिनट में बता रखा है, तो पहले हम दिन को, दिनों के क्या बनाएंगे, मिनट्स. तो दिनों के मिनट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसलिए 60 मिनट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से. तो हमारा कितने मिनट्स आ गए, 1440 मिनट्स. 60 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 4 6 24 200 0, वंस के प्लेस पे क्रॉस लगा देंगे, 2 6 या 12, 0 4 2 2 4 और 1. इन 1 मिनट ए हार्ट बीट. अब एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स. तो 1440 मिनट्स में कितनी बार बीट करेगा, 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1440 से. 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.
अब यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्रॉस लगा देंगे, 700, 7 4 जै 28 कैरी ओवर 2, 7 4 जै 28 30 कैरी ओवर 3, 7 1 जै 7 और 3 10 ऐड कर देंगे, 0 8 8 8 16 कैरी ओवर 1, 2 और 1 3 0 का 0 1। तो हार्ट कितनी बार बीट्स करता है, 1,03,680 टाइम्स। वन डे में कितनी बार हार्ट बीट करेगा, 1,03,680 टाइम्स। क्वेश्चन 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड आउट 3-डिजिट नंबर्स द सम ऑफ हुज डिजिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ये कह रहा है ऐसे 3-डिजिट का नंबर फाइंड आउट करो कि जिसको अगर हम ऐड करते हैं या जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं तो उसका सम ऑफ और प्रोडक्ट इक्वल आने चाहिए। तो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3 ये हमारा 3-डिजिट का नंबर बन गया। पहले हम इसका सम ऑफ फाइंड आउट करते हैं, 1 + 2 + 3 2 और 1 3 + 3 6 सम ऑफ हमारा इस नंबर का क्या आ गया, 6। अब इसका प्रोडक्ट चेक करते हैं, 1 × 2 × 3 1 × 2 × 2 × 2 × 3 6 यहाँ प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, 6 इस नंबर का, सम ऑफ हमारा 6 आ गया। दोनों इक्वल है, यही हमें कंडीशन बताई थी कि इसका प्रोडक्ट और इसका सम ऑफ इक्वल होना चाहिए। तो एक नंबर तो हमारा हो गया ये 123। अब हम इन्हीं नंबर को रिप्लेस करके डिफरेंट नंबर भी लिख सकते हैं जिनका प्रोडक्ट और सम ऑफ इक्वल आएगा, जैसे 213, 132, 231, 321, 312। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Thank you. Have a nice day.